दोस्तों ये दो मोटर में से एक मोटर खराब है, मतलब जला हुआ है, और एक मोटर सही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस सीरीज लैंप के द्वारा बताऊंगा कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मोटर चेक करने की दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। दोस्तों ये वाला जो आपको मोटर दिख रहा है ये 4 किलोवाट का है, और ये वाला जो मोटर आपको दिख रहा है ये 22 किलोवाट का है। तो इस सीरीज लैंप के द्वारा किस तरीके से चेक किया जाता है वो मैं आपको बताता। दोस्तों ये स्विच बोर्ड में मैं डायरेक्ट अपना सीरीज लैंप है उसको कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से, देखिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सीरीज लैंप नहीं बनाना आता है तो 5 सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैंने सीरीज लैंप बनाया है। ठीक है दोस्तों, हमारे बल्ब को ऑपरेट कराने के लिए एक न्यूट्रल और फेस की जरूरत होती है। देखिए मैंने ये न्यूट्रल और एक फेस कनेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। देखिए ये बल्ब हमारा ऑन हो गया। ठीक है, ये दो वायर से ऑपरेट हो रहा है। तो जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो बल्ब हमारा ऑन हो गया। देखिए तो आप क्या करना है दोस्तों, किसी भी एक वायर को कट कर देना है। ठीक है, ये दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को कट कर देना है। देखिए मैंने इस तरीके से एक वायर को कट कर दिया, ये देखिए एक वायर लंबा ले लिया और इसको कट कर दिया। देखिए ये हमारा सीरीज लैंप रेडी हो गया, देखिए इस तरीके से। ठीक है, यदि आपको नहीं बनाना आता है तो इस तरीके से आप बना लीजिए। आप किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं स्विच को ऑन कर दूंगा तो सबसे पहले इस मोटर को चेक करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम मोटर की बॉडी अर्थ चेक करेंगे, मतलब हमारी जो 3 कोयले है मोटर की बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं टेस्ट लैंप चेक कर लेता हूँ। देखिए इसको शॉर्ट करने पर हमारा टेस्ट लैंप जलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मोटर की बॉडी अर्थ चेक करने के लिए किसी भी एक वायर को मोटर की बॉडी से इस तरीके से शॉर्ट कर देंगे। देखिए ये, अब इस वायर से मोटर के जो 6 टर्मिनल है, मतलब 3 कोयल के 6 टर्मिनल है, उसको चेक करेंगे इस तरीके से। देखिए 2-2 सेकंड लगा के रखेंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये चेक करने पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो 3 कोयल है बॉडी से शॉर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारी मोटर का बॉडी अर्थ चेक हो गया। अब मोटर में जो 3 कोयल है उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और तीनों कोयलों में से कोई कोयल बीच में से ब्रेक तो नहीं है वो चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए किसी भी एक वायर को हम किसी भी एक टर्मिनल से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, और सामने वाले जो टर्मिनल है उससे इस वायर से चेक करेंगे इस तरीके। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये वाला और ये वाला हमारा 1 कोयल हो गया। देखिए कितना ग्लो हो रहा है, ये भी आप ध्यान दीजिए। देखिए हमारा जो कोयल है ये दूसरी कोयल से शॉर्ट भी नहीं है, यदि शॉर्ट रहता तो इससे भी ग्लो हमारा होता बल्ब। देखिए ये 2 टर्मिनल से भी ग्लो होता, मतलब हमारा जो कोयल है ये बीच में से ब्रेक भी नहीं है और एक दूसरे से शॉर्ट भी नहीं है। ठीक है, अब ये वाला वायर हम दूसरे वाले टर्मिनल से इस तरीके से लगा देंगे और सामने वाले टर्मिनल से चेक करेंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये वाला और ये वाला दूसरा कोयल हो गया। ठीक है, बल्ब है ग्लो भी सेम हो रहा है। ठीक है, ये 2 टर्मिनल से हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, मतलब हमारा जो 1 कोयल है बीच में से ब्रेक भी नहीं है, 2 टर्मिनल से शॉर्ट नहीं है, मतलब दूसरी कोयल से शॉर्ट भी नहीं है। ठीक है, अब ये वाले वायर को 3रे नंबर टर्मिनल से लगा के रखेंगे इस तरीके से, और इससे चेक करेंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये वाला और ये वाला बता रहा है। ठीक है, ये और इससे नहीं बता रहा, इससे और इससे नहीं बता रहा, मतलब ये वाला हमारा जो कोयल है ये 3रा कोयल है। ठीक है, ये देखिए सेम ग्लो हो रहा है, तीनों कोयलों पे लगाने पे सेम ग्लो हो रहा है, इसका मतलब तीनों कोयलों का रेजिस्टेंस बराबर है, मतलब हमारा जो 3रा वाला कोयल है बीच में से ब्रेक होता, मतलब कट होता तो हमारा जो बल्ब है ये ग्लो नहीं होता। दोस्तों इस तरीके से हमारी ये मोटर है ये एकदम बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस मोटर को चेक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मोटर का बॉडी अर्थ चेक करेंगे। ठीक है, किसी भी एक वायर को हम बॉडी से इस तरीके से शॉर्ट कर देंगे। देखिए ठीक है, ये भी इससे देखेंगे बॉडी से शॉर्ट हुआ कि नहीं, ये शॉर्ट हो गया। अब इस वायर से सभी टर्मिनल चेक करेंगे इस तरीके से। देखिए देखिए दोस्तों, किसी भी टर्मिनल से हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो 3 कोयल है बॉडी से शॉर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी एक वायर को इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब इस वायर से चेक करेंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 1 कोयल हो गया। देखिए ये 1st कोयल हमारा बराबर है, ये देखिए दोस्तों इससे भी ग्लो हो रहा है, मतलब ये भी बराबर है और इससे ग्लो नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, इससे भी ग्लो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंफर्म चेक करने के लिए कि कौन सा हमारा कोयल बीच में से ब्रेक है उसको चेक करने के लिए ये जो लिंक लगा हुआ है इसको निकाल देंगे। ठीक है, स्टार लिंक लगा हुआ है उसको निकाल देंगे। दोस्तों ये लिंक निकाल दिया तो इससे कंफर्म हमारा चेक हो जाएगा और कौन सा कोयल बीच में से ब्रेक है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक वायर को हम किसी भी एक टर्मिनल से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा 1 कोयल हो गया और ये दूसरी कोयल से शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अब इस वायर को दूसरे वाले टर्मिनल से लगाएंगे और इससे चेक करेंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, ठीक है इससे नहीं बता रहा, मतलब ये वाला जो कोयल है ये बीच में से ब्रेक है। देखिए अब इससे चेक करेंगे, अब 3रे नंबर टर्मिनल से हम चेक करेंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, अब ये वाला और ये वाला बता रहा है। ठीक है, और ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल बता रहा, मतलब ये हमारा 1 कोयल हो गया और ये वाला 2रा कोयल हो गया, मतलब 2रा कोयल हमारा बीच में से ब्रेक है। देखिए
और ए और ये बता रहा, मतलब तीसरा कोयल बराबर है और पहला कोयल बराबर है और दूसरा वाला जो कोयल है ये बीच में से ब्रेक है। देखिए ये सेम ग्लो हो रहा है, देखिए दोस्तों पहला और तीसरा कोयल हमारा सेम ग्लो हो रहा है, मतलब दो कोयल बराबर है और ये वाला कोयल है बीच में से ब्रेक है। दोस्तों इस तरीके से हमको मोटर को चेक करना है, ठीक है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करें और इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।